हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम ट्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 10 स्टैंडर्ड का जो पोर्शन का रिडक्शन हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। ये जो रिडक्शन हुआ है ये सिर्फ 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए, ये हमेशा के लिए रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 4 जो है स्क्रैच और पाइथन, उसमें थियोरी एंड प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें रिडक्ट किया गया है। रिविजन ऑफ द बेसिक ऑफ स्क्रैच, स्पिरिट टेम्पो, वेरिएबल्स एंड इवेंट्स, ये सारा चीज़ रिडक्ट किया गया है। और अल्टरनेटिव पाइथन में रिविजन ऑफ पाइथन बेसिक, कंडीशनल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो। नाउ होम साइंस में देखते हैं। होम साइंस में अगर आप देखो तो यूनिट वाइज दिया हुआ है कि यूनिट 1 में ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, देन यूनिट 2 में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी एंड मनी, जिसमें फैमिली इनकम को रिड्यूस किया गया है जो टॉपिक है। एंड फिफ्थ यूनिट में फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर एजुकेशन को रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है। यूनिट 6 में केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स एंड अपैरल, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स को डिलीट किया गया है। सबसे मेन साइंस में देखते हैं डिलीटेड पोर्शन थियरी, जो थियरी पार्ट डिलीट किया गया है वो कौन सा है। यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंस में नेचर एंड बिहेवियर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेस, कोरोशन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये पूरा डिलीट कर दिया गया है। मीन्स टू 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्केन्स एंड अल्काइन्स, ये सारा डिलीट कर दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन, एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ओके, एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड में सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को डिलीट किया गया है। ओके, सोप एंड डिटर्जेंट, सो बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि कार्बन जो लेसन है, जो चैप्टर है, वो बहुत ही वास्ट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए वक्त चाहिए, और जबकि 2020 का 6 महीना जा चुका है तो इसीलिए इतना सारा डिलीट किया गया है। नेक्स्ट यूनिट 2 में देखते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हॉर्मोन्स, ये सारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। थियोरी पार्ट पूरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन का जो थियोरी पार्ट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 3 में देखते हैं नेचुरल फेनोमेना जिसमें द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये वाले लेसन में जो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस, ये पूरा डिलीट कर दिया गया है थियोरी पार्ट। यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट, नाउ ये एक और इम्पॉर्टेंट लेसन था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पार्ट में से डिलीट क्या क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये डिडक्ट कर दिया गया है। यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेस में निकाला गया है, ये रहा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सारा प्रैक्टिकल्स जो जो डिलीट कर दिए गए हैं, सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स है जिनमें टाइम लगता है, सो हम फिजिकली तो इसको अभी कर नहीं सकते बिकॉज स्कूल्स तो बंद है, सो दैट्स वाई जितने भी प्रैक्टिकल्स है वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनल असेसमेंट में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का जितना भी है ये सारा डिलीट कर दिया गया है, मीन्स कम कर दिया गया है। सोशल साइंस, लेट्स सी चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक,
रिकमेंडेड पोर्शन फॉर डिलीशन। नाउ इस टेक्स्ट बुक से जो भी चैप्टर वाइज नंबर दिया गया है और नाम दिया गया है, आपको एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखना है कि क्या क्या पोर्शन निकाला गया है। सो सेक्शन टू में लेसन नंबर वन लेवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज में नोट एनी वन आउट ऑफ दिस टू चैप्टर्स, ओके एनी वन आउट ऑफ दिस टू चैप्टर्स थ्री एंड फोर दिया गया है। चैप्टर थ्री द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर फोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। रिकमेंडेड पोर्शन फॉर डिलीशन में क्या लिखा है, द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स में से आपका जो पीरियोडिकल टेस्ट होगा फॉर इंटरनल असेसमेंट मार्क के लिए, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उसके लिए इसमें से आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेक्शन थ्री में एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, चैप्टर फाइव प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, कंप्लीट चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, मतलब ना ही उसका कोई भी आपको इंटरनल टेस्ट में कुछ आएगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में कुछ आएगा। यूनिट टू में आप अगर आप देखें तो कंटेम्प्रेरी इंडिया जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड, वाटर रिसोर्सेज में कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स, मीन्स जो मैप है वो आपको मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आएंगे, विच विल बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन, ओके वो सारे आएंगे आपके एग्जाम में। चैप्टर फाइव मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट, अगेन इसमें भी वही चीज़ है, जो कंप्लीट चैप्टर है वो पूरा डिलीटेड है बट मैप्स आपको पढ़ने हैं। नाउ पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं यूनिट थ्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट टू जो है उसमें से चैप्टर नंबर थ्री डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कंप्लीट चैप्टर। सो पॉलिटिकल साइंस में पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, कौन सा है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, सो चार चैप्टर डिडक्टेड। नाउ सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज रिमूव्ड यहाँ पर लिख के दे दिया है। यूनिट वन में अगर आप देखें तो नंबर सिस्टम रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये निकाल दिया गया है। यूनिट टू में एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स एंड विथ रियल कोएफिशिएंट्स ये निकाल दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकाल दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ये टॉपिक भी निकाल दिया है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम्स टू एन टर्म्स, ओके ये पार्ट निकाल दिया गया है। ज्योमेट्री में देखते हैं क्या है, ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाला गया है। यूनिट सिक्स में देखें तो ट्रायंगल्स में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थियरम्स आर डिलीटेड, सो कौन से जो थियरम्स है वो डिलीट कर दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके ट्रायंगल का ये बेसिक वाला है। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ओके सो राइट एंगल वाला भी कर दिया है। सर्कल में कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है यहाँ पर स्पेसिफिकली, देखो लिख के दिया है नो डिलीशन, सर्कल चैप्टर पूरा आएगा। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ओके ये वाला निकाला गया है। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0° to 90° ये निकाला गया है। आइडेंटिटीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 ये निकाला गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ अ कोन ये निकाला गया है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में आप देख सकते हो कि स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये दो टॉपिक डिलीट कर दिए गए एंड प्रोबेबिलिटी में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। सो प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो एक्चुअली इजी ही है, सो उसमें से कुछ भी डिलीट किया नहीं गया है। ग्रामर पार्ट में अगर देखें तो ग्रामर पार्ट में यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस क्लॉजेस में देखे तो नाउन एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम रिलेटिव प्रेपोजिशंस। नाउ फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 दैट इज़ द लिटरेचर पार्ट,
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल ट्रीज फॉग. ओके सो पांच लेसन इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसमें से ये तीन डिलीट कर दिए गए हैं. द मिडनाइट विजिटर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट द बुक दैट सेव द अर्थ. नाउ आते हैं हिंदी में. हिंदी कोर्स अ आई थिंक वो ए ही होगा. सो काव्यखंड भाग दूसरे में आप अगर देखोगे तो काव्यखंड और गद्यखंड में से ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए. सारा का सारा इसमें दिया हुआ है. नेक्स्ट कृति का भाग टू में आप देख सकते हो दो टॉपिक डिलीट किए गए हैं. ओके सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके आई थिंक ये वाला लास्ट पार्ट है. विषय हिंदी में कोर्स ब. सो नियमित लिखित पाठ हटा दिया गए है. सो यहाँ पर लिखा हुआ है ए अलंकार मतलब ये जो है ये ग्रामर पार्ट है हिंदी का. ठीक है बी बिहारी दोहे महादेवी वर्मा. सो पद्यखंड और गद्यखंड में से कौन से लेसन्स डिलीट कर दिए गए हैं हटा दिया गया है वो आप देख लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके लिए बेहतर रहेगा. सो ये हो गया हमारा ख़त्म. सो ये सारा जो भी हमने अभी देखा ये सारा डिलीट कर दिया गया है. कुछ जो डिलीट नहीं किए गए हैं वहाँ पर स्पेसिफिकली लिख के दे दिया गया है कि नो डिलीशन. सो आपको ये ध्यान रखना है. अब जबकि आपका पोर्शन 30% डिडक्ट कर दिया गया है सो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा स्ट्रेस नहीं लेना है. जितना भी पोर्शन है वो आप अच्छे से कर लीजिए. एंड ध्यान रखें कि ये वाला सिर्फ 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सिर्फ उस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है. सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन. अच्छे से स्टडी कीजिए अच्छे से तैयारी कीजिए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.